इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम एनालिसिस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फीचर्स और मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम पढ़ लिया है, ठीक है। द एनालिसिस ऑफ नेशनल इनकम इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन, सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट से फैक्टर्स है जिसके लिए नेशनल इनकम की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेजर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम क्या करता है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक की परफॉर्मेंस को मेजर्स करता है, ठीक है, मेजर करता है। तो वो नेशनल इनकम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अल्टरनेटिव मेजरमेंट, द वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट एंड इट्स ग्रोथ हैव बिकम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ कंट्री, ठीक है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एनी अल्टरनेटिव मेजरमेंट, अगर कोई मेजरमेंट एबसेंट है या फिर नहीं है, तो नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट, ठीक है। नेशनल आउटपुट मतलब कितने गुड्स एंड सर्विसेस, कितने गुड्स पर्टिकुलर कंट्री में बने हैं एक साल में, राइट। एंड इट्स ग्रोथ हैव बीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो नेशनल इनकम बताता है कि किसी भी कंट्री की स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, किसी भी कंट्री की स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कैसी है। अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है, राइट, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो कंट्री की स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अच्छी है, राइट, वो कंट्री ग्रोथ कर रही है, ओके। कंट्रीज आर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड द ग्रोथ रेट ऑफ देयर जीडीपी, ओके। ये तो सभी को पता है कि कोई भी कंट्री रैंक कैसे होती है, जब उसकी जीडीपी बढ़ती है, राइट। जीडीपी के बेस पे ही पता लगा सकता है कि वो पर्टिकुलर कंट्री ग्रोथ कर रही है, डेवलप कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। फिर ये जीडीपी कैसे पता चलता है, नेशनल इनकम से, मतलब नेशनल इनकम के मेथड्स होते हैं, आउटपुट मेथड्स, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, राइट। तो नेशनल आउटपुट से पता चलता है कि वो पर्टिकुलर कंट्री ग्रोथ कर रही है या फिर नहीं ग्रोथ कर रही है, राइट। तो उससे ही पता चलता है जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल इनकम का, क्योंकि नेशनल इनकम बताता है कि जीडीपी कितनी है उस पर्टिकुलर कंट्री की, और वो जीडीपी की वजह से उस कंट्री को रैंक किया जाता है, ओके, ठीक है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस है। सेकेंड क्या है, कंपेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। नेशनल इनकम ही कंपेयर करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, ओके, तो ये नेशनल इनकम ही बताता है, ओके। तो सेकेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल इनकम का। पर कैपिटा इनकम इज एन इंडिकेटर्स ऑफ हाउ कंट्रीज नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, राइट। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, राइट, ओके। तो पर कैपिटा इनकम इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर कंट्री में, राइट, जिस कंट्री का भी कैलकुलेशन हो रहा हो नेशनल इनकम, राइट, उस कंट्री में नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोगों के बीच में, राइट, मतलब लोग एम्प्लॉयड है या नहीं है, लोगों के पास जॉब है या नहीं है, लोग अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट। तो अगर लोग अर्न करते रहेंगे, राइट, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट रहेगा, जॉब रहेगा, तो वो इनकम अर्न कर रहे हैं, राइट, तो उनका पर कैपिटा इनकम भी तो इंक्रीज होगा, राइट, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा तो नेशनल इनकम इंक्रीज होगा, ओके। इट बिकम्स अ मेजरमेंट ऑफ द इनकम इनइक्वालिटी एंड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कंपेयरिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, राइट। इट बिकम्स मेजरमेंट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, राइट। अगर उस पर्टिकुलर कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो अनइक्वल है, राइट, लाइक बहुत लोग गरीब है, पुअर है, राइट, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, राइट, ऐसा परफॉर्मेंस का मेजरमेंट हुआ, तो मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री का जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनइक्वल है, राइट, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये जो नेशनल इनकम है वो कंपेयर करता है, राइट, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, राइट। अगर नेशनल इनकम इंक्रीज है तो ग्रोथ हो रही है उस पर्टिकुलर कंट्री की, जीडीपी भी अच्छी है, मतलब उस कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों की वो अच्छी है, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है पर कैपिटा इनकम का वो भी अच्छा है, राइट। तो नेशनल इनकम ये भी चीज़ बताता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल इनकम का। सेकेंड पॉइंट, थर्ड है सेक्टरल
कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम्स कम्स फ्रॉम द थ्री मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक, नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे इकोनॉमिक में थ्री सेक्टर्स है, राइट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी में क्या आता है, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में इंडस्ट्री एंड टर्शरी में सर्विस सेक्टर। ओके, तो ये तीन सेक्टर्स है हमारी इकोनॉमिक के। ओके, तो नेशनल इनकम बताता है कि ये तीनों सेक्टर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम थ्री मेन मेजर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमिक, राइट। तो नेशनल इनकम बताता है कि प्राइमरी से कितना कंट्रीब्यूशन आया नेशनल इनकम में, सेकेंडरी सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन आया नेशनल इनकम में, टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर से कितना आया कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में, दैट इज जीडीपी में, राइट। एनालिसिस ऑफ नेशनल इनकम इज शोन shows which sectors relatives contribution is how much and how these trends have changed over time. This is used to study occupation structure, income distribution, production, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन पैटर्न। ठीक है, तो नेशनल इनकम बताता है कि ये जो तीनों सेक्टर है, राइट, उस सेक्टर से कितने कंट्रीब्यूशन हो रहे हैं नेशनल इनकम में, जीडीपी में, और क्या क्या चेंजेस आए हैं ये तीनों सेक्टर में, राइट। इस तरह ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल इनकम का, राइट। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, राइट। और क्या बताता है, दिस इज यूज टू स्टडी, राइट, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि लोगों का ऑक्यूपेशन कितना क्या है, लोग कौन से टाइप के बिजनेस करते हैं, राइट। इस तरह ही तो जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन होता है, राइट, उनके ऑक्यूपेशन से ही होता है, राइट। कितना अर्न कर रहे हैं वो, किस सेक्टर से कैसा अर्न कर रहे हैं और वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में, राइट, ये सारी चीज़ें पता चलती है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, राइट, पुअर कितने हैं, रिच कितने हैं, मिडिल क्लास कितने हैं, राइट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो पता लगाता है नेशनल इनकम। प्रोडक्शन कैसा है मतलब जीडीपी, राइट, पर्टिकुलर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट, वो कैसा चल रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैसा है इकोनॉमिक का, कंजम्पशन पैटर्न कितना है, कैसा है, राइट, मतलब लोग कैसे खर्चा करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो कंजम्पशन पैटर्न भी अच्छा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होगा, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा, राइट, क्योंकि इनकम से ही ये सारी इकोनॉमिक चलती है, राइट। अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, राइट। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो वो लोग डिमांड करेंगे, राइट, डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज होगा, राइट, लाइक दैट। तो नेशनल इनकम ये सारी चीज़ें बताता है। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, अब नेशनल इनकम क्या बताता है कि इकोनॉमिक वेलफेयर कैसी है, राइट, इकोनॉमिक वेलफेयर है या नहीं है। वेलफेयर मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है, राइट, नेशनल इनकम शो कर रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, बट वहाँ के लोगों का कोई वेलफेयर नहीं है, सिर्फ इनकम की ग्रोथ दिखा रही है और नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो फिर वो नेशनल इनकम वैलिड नहीं होगा, राइट, तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा। ओके, फ्रूटफुल बनाने के लिए मतलब क्या कि लोगों का वेलफेयर भी होना चाहिए नेशनल इनकम बढ़ने के साथ। ओके, चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम ओवर अ टाइम कैन बी एन इंडिकेटर टू असेस इकोनॉमिक वेलफेयर, राइट। तो जैसे जैसे चेंजेस होंगे नेशनल इनकम में, ऐसा वो इंडिकेटर होना चाहिए कि इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ लार्ज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम इज जनरेटेड ड्यू टू द डिफेंस प्रोडक्शन, राइट, एट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस। देखो एग्जाम्पल दिया इन लोगों ने, इट रिफ्लेक्ट द नेगेटिवली ऑन द इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, क्या बोला है, जैसे कि मैंने बताया अभी, अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है बट लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा है तो फिर वो नेशनल इनकम का कोई मतलब, नेशनल इनकम बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, राइट, क्योंकि नेशनल इनकम क्या इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की ग्रोथ हो रही है प्लस डेवलपमेंट भी हो रहा है, राइट, तो ये नेशनल इनकम ये सारी चीज़ें मेजरमेंट करता है। ओके, एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पे, लार्ज पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम जनरेट, मतलब बहुत सारे नेशनल इनकम बढ़ रहे हैं किसके प्रोडक्शन में, डिफेंस, राइट, जो आर्मी वगैरह के लिए प्रोडक्ट बनते हैं, राइट, उस वो प्रोडक्ट बनाने की वजह से, वो प्रोडक्शन करने की वजह से जो वैल्यू वो बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है। एट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन मतलब जो एजुकेशन है उसको कोई भी कॉस्ट नहीं दे रहे, उसके पैसे हम डिफेंस में डाल रहे हैं, राइट, हेल्थ सर्विस है उसके भी पैसे हम डिफेंस में डाल रहे हैं, राइट, तो कहने का मतलब है सिर्फ डिफेंस प्रोडक्शन की वजह से नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो फिर वो नेशनल इनकम वेलफेयर इकोनॉमिक नहीं हुआ,
ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, डिफेंस भी बढ़ना चाहिए, एजुकेशन भी बढ़ना चाहिए और हेल्थ सर्विस भी बढ़नी चाहिए, तो वो मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर होगा, राइट। तो नेशनल इनकम ये सारी चीज़ें बताता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन प्राइस लेवल। नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक कैन बी यूज टू एस्टिमेट ट्रेंड्स इन द प्राइस लेवल एंड फोरकास्ट फ्यूचर इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या बताता है, जो भी स्टेटस टूल्स है नेशनल इनकम के, लास्ट ईयर के या प्रीवियस ईयर के, राइट, तो वो सारी चीज़ों को यूज़ करके पता लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन होना होगा या फिर डिफ्लेशन होगा। ठीक है, मतलब प्राइस की वैल्यू कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता लगाते हैं नेशनल इनकम से। ओके, जीडीपी और जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द मेजर्ड एट करेंट प्राइस एंड एट कॉन्स्टेंट प्राइस। ठीक है, तो नेशनल इनकम बताता है वो जीडीपी और जीएनपी को, ठीक है, या तो करेंट प्राइस से कैलकुलेट करता है या फिर कॉन्स्टेंट प्राइस से। ओके, कॉन्स्टेंट मतलब लास्ट प्राइस से, और करेंट मतलब जो करेंटली चलती रहती है प्राइस वो। ठीक है, लाइक करंट प्राइस मतलब 2020 की कितनी प्राइस चल रही है, ठीक है, सारे प्रोडक्ट की, उसे हम प्रोडक्ट इंडेक्स कहते हैं, राइट। सारे प्रोडक्ट की प्राइस कितनी चल रही है, ठीक है, उसके बेस पे अगर कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम डेटा अलग आती है, राइट। कॉन्स्टेंट प्राइस, राइट, मतलब पहले से, मतलब 2019 और कह सकते हैं कि 2018, ठीक है, इसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे तो नेशनल इनकम अलग आता है। ठीक है, अ कंपेरिजन बिटवीन द टू कैन हेल्प इन एस्टिमेटिंग द प्राइस लेवल चेंजेस। ठीक है, इन दोनों डेटा को, राइट, इन दोनों डेटा को जो भी कैलकुलेशन होगा, राइट, जीडीपी और जीएनपी का, वो कैलकुलेट करके कंपेरिजन करेंगे, राइट, कि आगे प्राइस बढ़ने वाली है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या फिर कम होने वाली है। ठीक है, तो नेशनल इनकम बहुत सारी चीज़ें बताता है। ये जो कॉन्स्टेंट और करंट प्राइस है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में, राइट, और डिटेल में पढ़ेंगे कि करंट प्राइस क्या होती है और कॉन्स्टेंट प्राइस क्या होती है, कैलकुलेशन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेशनल इनकम चैप्टर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिक्स पॉइंट क्या है, बिजनेस फोरकास्ट। नेशनल इनकम बिजनेस फोरकास्ट भी करता है। ग्रोथ रेट ट्रेंड्स एंड द अदर रिलेटेड नेशनल इनकम मेजर्स आर यूज्ड बाय द बिजनेस टू फोरकास्ट फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, अब जो नेशनल जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेसेस है, वो क्या करता है, ग्रोथ रेट ट्रेंड्स, मतलब नेशनल इनकम से फाइंड आउट करता है कि ग्रोथ रेट कितना हो रहा है इकोनॉमिक का, राइट, कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है, राइट, उसके बेसिस पे वो फोरकास्ट करता है कि उसकी बिजनेस एक्टिविटी कैसी होगी इन फ्यूचर, राइट, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाना है या कम करना है, मतलब इन्फ्लेशन आ रहा है या डिफ्लेशन आ रहा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ठीक है, फिर उसकी उसके बेसिस पे ही बिजनेस एक्टिविटी चालू करता है वो। ओके, बिजनेसेस मेक डिसीजन टू एंटर मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज बेस्ड ऑन दोज कंट्रीज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम डेटा। वेरी नाइस, देखो ये लाइन क्या लिखा है इन लोगों ने, बिजनेस फोरकास्टिंग का समरी, बिजनेसेस मेक डिसीजन टू एंटर मार्केट इन डिफरेंट कंट्री। बिजनेस क्या करता है, डिसीजन लेता है, राइट, कि वो दूसरे कंट्री के मार्केट में एंटर करे या ना करे, राइट, अगर किसी भी कंट्री के मार्केट में एंटर करना है उसे बिजनेस करने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए, राइट, तो उस पर्टिकुलर कंट्री का नेशनल इनकम देखेगा, राइट, पर कैपिटा इनकम डेटा देखेगा। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर कंट्री की नेशनल इनकम बहुत अच्छी है, पर कैपिटा इनकम मतलब इंडिविजुअल की इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एम्प्लॉयड है, मतलब एम्प्लॉयमेंट है सबके पास, अगर ये डेटा ऐसी होती है तो वो दूसरे कंट्री के मार्केट में एंट्री करेगा, राइट, बट उसकी नेशनल इनकम अच्छी नहीं है, नेशनल इनकम कम है, पर कैपिटा इनकम भी कम है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल है, राइट, तो उस मार्केट में वो एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो बिजनेस है वो डिसीजन लेता है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। ओके, डेटा फ्रॉम द डिफरेंट टाइम्स पीरियड हेल्प बिजनेसेस प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड द मेक डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो डेटा है नेशनल इनकम के डिफरेंट डिफरेंट पीरियड के, राइट, उस डेटा के बेसिस पे बिजनेस क्या करता है, डिसीजन लेता है, राइट, कि इन फ्यूचर उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना नहीं करना है। ओके, बैंक्स एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट मेक द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन द डिफरेंट कंट्रीज यूज द नेशनल इनकम एंड स्टैटिस्टिक फॉर द इन्वेस्टमेंट
डिसीजन, ठीक है, जो बैंक्स होते हैं हमारे कंट्री के, सपोज हमारे कंट्री के बहुत सारे बैंक्स हैं, वो बैंक्स और नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेयर मार्केट वगैरह, ठीक है, तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट, वो किसी भी दूसरे कंट्री के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कब करेंगे, जब उस पर्टिकुलर कंट्री का नेशनल इनकम हाई होगा, राइट, उसके बेसिस पे वो लोग क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि उस पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो नेशनल इनकम बहुत हेल्पफुल होता है बिजनेस फोरकास्ट के लिए, ओके, ये इंपॉर्टेंस है। सेवेंथ क्या है, ग्लोबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, नेशनल इनकम डेटा ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर यूज टू डिटरमाइन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। ग्लोबल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, हर एक कंट्री की नेशनल इनकम डेटा से पता चलता है, राइट, कि ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इनकम का, राइट, इनकम और वेल्थ का, ओके, अलॉन्ग विद द SDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की लिटरेसी रेट कितनी है, ठीक है, हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, राइट, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। अलॉन्ग विद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक आर यूज टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट नेशन, ठीक है। SDI और नेशनल इनकम, ये सारी डेटा और स्टैटिस्टिक से पता चलता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट, वो कंट्री डेवलप कर रही है या नहीं कर रही है, ओके। दिस नॉलेज इज यूज बाय द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी टू पुट इन प्लेस प्रोग्राम टू रिड्यूस द ग्लोबल इनइक्वालिटी, राइट। तो SDI और नेशनल इनकम से, राइट, पता चलता है कि कौन सी कंट्री डेवलप कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, ठीक है। ये सारी डेटा कलेक्ट की जाती है, जिसे हम ग्लोबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ग्लोबली कलेक्ट की जाती है, राइट। फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स निकलते हैं क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ग्लोबल इनइक्वालिटी जो है उसको रिड्यूस की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम और स्कीम लॉन्च करके, इंट्रोड्यूस करके, ठीक है। और दिस इज डन थ्रू द प्रोविजंस ऑफ इकोनॉमिक एक्ट, ओके। तो ये सारी चीजें होती हैं नेशनल इनकम और SDI के बेसिस पे ही होती हैं। अगर नेशनल इनकम से ही पता चलता है और कि उस वो कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, कंट्री ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, ओके। एट्थ इंपॉर्टेंस क्या है नेशनल इनकम एनालिसिस की, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसीज, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम से ही गवर्नमेंट को ये आइडिया मिलती है कि वो पॉलिसीज कैसे निकालें, राइट, प्लानिंग कैसे करें इकोनॉमिक को लेके, ओके। जब तक नेशनल इनकम की परफॉर्मेंस उसको पता ही नहीं होगी, फिर वो पॉलिसीज और प्लानिंग कैसे निकालेगा, कैसे इंट्रोड्यूस करेगा, कैसे लॉन्च करेगा, ओके। तो नेशनल इनकम गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कोई भी प्लानिंग और पॉलिसीज बनाने के लिए, ओके। मोस्ट गवर्नमेंट यूज नेशनल इनकम डेटा टू फॉर्मुलेट लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड मीडियम टर्म पॉलिसीज, राइट। तो नेशनल इनकम के बेसिस पे ही गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट लॉन्ग टर्म के लिए जो यूजफुल हो इकोनॉमिक के लिए, राइट, जो अच्छे रिजल्ट दे सके, राइट, ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, ओके। फॉर एग्जांपल, इंडिया अडॉप्टेड द 5-year plans, ठीक है। ये जो 5-year plans है इकोनॉमिक प्लानिंग से हुआ है, राइट। अब तो नीति आयोग आ गया है, ठीक है, मोदी सरकार आने की वजह से, नरेंद्र मोदी सरकार आने की वजह से, अब ये 5-year जो प्लान थे, 12th 5-year plan के बाद उन्होंने नीति आयोग, राइट, अभी 5-year plans नहीं है, अभी हम नीति आयोग बोल सकते हैं, राइट, वो प्लान्स आ गए हैं, ठीक है, 5-year plans हट चुके हैं, ओके। तो इंडिया अडॉप्टेड द 5-year plans टू इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। इंडिया फर्स्ट 5-year plan कब स्टार्ट हुआ था, 1951, राइट, 1951 से स्टार्ट हुआ था, ओके। तो ये सारे प्लान्स क्या इम्प्रूव करते थे, नेशनल इनकम उस पर्टिकुलर, हमारी पर्टिकुलर कंट्री का, ठीक है, हमारी कंट्री का ग्रोथ कैसा हो, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होना चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होना चाहिए, ओके, और टर्शियरी सेक्टर डेवलप होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए 5-year plans लिए गए थे, ओके। डिफरेंट डिफरेंट 5-year plan होते हैं, ऐसे 12th 5-year plans हुए थे, राइट। 5-year plans का मतलब क्या होता है, सिर्फ 5 साल का प्लान नहीं, मतलब एक प्लान में 5 साल होते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट 5-year plan होगा, ठीक है, दूसरा प्लान में 5 साल, ठीक है, 5-5 साल होते हैं, ऐसे 12th हुए थे, ठीक है। तो एक 5 साल प्लान को हम लोग 5-year plan बोलते हैं, ठीक है, सेकंड 5-year plan, ये फर्स्ट 5-year plan हुआ, सेकंड 5-year plan, थर्ड 5-year plan, ऐसे प्लान्स होते हैं, ओके।
इन ऑर्डर टू इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम सेवरल पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हैव बीन अडॉप्टेड राइट। अब पर कैपिटा इम्प्रूव करने के लिए राइट बहुत सारे पॉलिसीज ली गई थी राइट, लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब फाइनेंस करने का, क्रेडिट देने का सारे सेक्टर्स को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिया के लिए राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, फिर नेशनल इनकम बढ़ेगा राइट, जीडीपी बढ़ेगी, फिर नेशनल इनकम बढ़ेगा राइट, इससे इंप्रूवमेंट होगा हमारी कंट्री का। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतना ज़्यादा इनकम, नेशनल इनकम बढ़ेगी। ओके, आई होप समझा होगा, ये फ्यूचर था नेशनल इनकम का। ओके, थैंक यू सो मच।